एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक। जिनने पार्टी बनाई जब उनकी बखत नहीं है तो अपन तो पार्टी में आए थे, अपनी बखत होने का सवाल ही नहीं उठता। इस समय बोली लग रही है टिकट की 10 करोड़ से शुरू हो रही है, मतलब वो ना कोई शिवराज सिंह रख रहा है ना उस पैसे, क्योंकि वो तो पहले ही कमा चुके, रखने की जरूरत ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं भूबिया अमित। ये जो गुणगान आपने सुना है, जो चरित्र चित्रण आपने देखा है, ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का है। इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि बीजेपी अब एक पार्टी के साथ साथ पैसे छापने वाली मशीन भी बन चुकी है। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के पूर्व विधायक साहब कह रहे हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस समय बोली लग रही है टिकट की 10 करोड़ से शुरू हो रही है। भोपाल चले जाना आप, कहीं पूछ लेना किसी बड़े नेता से। तो देखा आपने, बीजेपी के ये पूर्व विधायक साहब साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कम से कम 10 करोड़ में टिकट बिक रहा है, जाइए भोपाल और पता कर लीजिए। आपको बता दूं कि इन विधायक साहब का नाम है रमेश सक्सेना और ये बीजेपी से कुशाभाऊ ठाकरे के वक्त से जुड़े हुए हैं। विधायक साहब ये सब बातें उसी बीजेपी पार्टी के बारे में बता रहे हैं जिसके चरित्र और ईमानदारी की लोग कसमें खाया करते थे। वो ये भी बता रहे हैं कि पैसा किसी नेता के पास नहीं जा रहा। ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं कि पैसा किसी नेता के पास नहीं जा रहा, शिवराज भी नहीं खा रहे। लेकिन अब सवाल कि पैसा फिर जा कहां रहा है, ये आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए कि पैसा कहां जा रहा है। 80 टिकट बचते हैं तो 80 टिकट हमें देना पार्टी फंड में, मतलब वो ना कोई शिवराज सिंह रख रहा है ना उस पैसे, क्योंकि वो तो पहले ही कमा चुके, रखने की जरूरत ही नहीं। इस पैसे को पार्टी फंड के नाम से वो क्लियर ले रहा है के 10 करोड़ से कम में होगा नहीं, 80 टिकट हमें 10 करोड़ से ऊपर में देना। तो सुना आपने, पैसा पार्टी फंड में जा रहा है। और सक्सेना जी के इस खुलासे के बाद तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 साल में जो दिल्ली से लेकर राज्यों तक बीजेपी के आलिशान दफ्तर बन रहे हैं, ये यूं ही तो नहीं बन रहे। खैर, बाद में कभी इनकी भी शिनाखत करेंगे, लेकिन अब विधायक जी से वो गणित समझते हैं कि कैसे पार्टी पैसे कमाती है और चुनाव जीतती है। अमित शाह की जो टीम है, उसकी टीम का निष्कर्ष जो है बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने कहा 116 में सरकार बन जाती है, 230 है, 116 में सरकार बन जाती है, तो 150 टिकट तो अपन ऐसे देंगे जो पिट्टू कट्टा जीतने वाले होंगे, बिल्कुल दमदार पूरा 150 टिकट वो देना है हमको। 80 टिकट बचते हैं तो 80 टिकट हमें देना पार्टी फंड में, मतलब वो ना कोई शिवराज सिंह रख रहा है ना उस पैसे, क्योंकि वो तो पहले ही कमा चुके, रखने की जरूरत ही नहीं। इस पैसे को पार्टी फंड के नाम से वो क्लियर ले रहा है के 10 करोड़ से कम में होगा नहीं, 80 टिकट हमें 10 करोड़ से ऊपर में देना है, वो पार्टी फंड चुनाव के लिए इकट्ठा होगा, ये खुलेआम है सारी में। और 80 टिकट जो देंगे, जो 150 में से मान लो 10-20 हार भी जाते हैं, तो ये 80 जो 10 करोड़ 20-20 करोड़ देकर टिकट लेंगे, वे 10-20 करोड़ खर्च करेंगे जीतने में, तो 10-5 जीतेगे ही सही। तो जो इधर से कम होंगे उधर पूर्ति हो जाएगी, तो उनका गणित ये कि 150 तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे, इस गणित पे पूरा चल रहा है उनका खेल। तो समझिए आप, कुल 230 सीटें हैं, 150 सीटों पर वो नेता चुनाव लड़ेंगे जिनके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है। वो किसी खास मठ से आते हैं या फिर खास समुदाय से आते हैं। कुल मिलाकर जो लोगों का अच्छा समर्थन हासिल कर सकते हैं, वो लोग इन 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। फिर बची हुई 80 सीटों की बोली लगती है। पार्टी फंड के लिए जो पैसा इकट्ठा करना है उसके लिए बोली लगती है, और एक सीट की कम से कम कीमत होती है 10 करोड़। तो आप ये पूरा खेल समझ गए होंगे। अब शायद मुझे भी इन बिके हुए सिंहासनों के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। पैसों का यह खेल सबको समझाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।